और शहर में लगातार हो रहे एक्सीडेंट, ये काफ़ी बड़ी समस्या, इनको लेकर आपने क्या सुझाव दिया, कब तक ये हो पाएंगे? पानी की समस्या का की जो बात है, अभी इस पर चर्चा हुई थी दिशा मीटिंग में, और माचागोरा से जो शहर के लिए पानी आना था उसके फिल्टर में कोई समस्या थी। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 मार्च तक जो माचागोरा से शहर को सप्लाई आना है वो चालू हो जाएगा और रेगुलर सप्लाई 1 मार्च से चालू हो जाएगा। सर, यातायात की समस्या काफ़ी है शहर में, अभी रोड एक्सीडेंट्स को लेकर भी चर्चा हुई थी। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओवर स्पीडिंग के लिए सख्त से सख्त चालान काटा जाए, अगर ज़्यादा ओवर स्पीडिंग हो उसमें गिरफ्तारी की अगर गुंजाइश बन सके वो भी हो। सर, रोड सेफ्टी को लेकर, सर रोड जो आपने बताया था, बाकी पूरे ज़िले में जो रिंग रोड है और काफ़ी अपनी नेशनल हाईवे है वहाँ लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। ये हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं, पिछली मीटिंग में भी ये बात हुई थी और इस मीटिंग में भी ये बात हुई है, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ साइंस लगाए जाएंगे और रोटरी बनाए जाएंगे। इन्होंने ये बात इसलिए अभी तक ये प्रॉब्लम इसका हल नहीं निकल पाया क्योंकि विभाग डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया PWD या रूरल डेवलपमेंट, कौन इस पे पैसा खर्च करेगी। मैंने निर्देश दे दिए, स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। ये भी बात मैंने आज रखी कि दिन भर दिन मुझे तो इतने हज़ारों की संख्या में शिकायत आते हैं कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, सारे डॉक्टर अपने प्राइवेट प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। मैंने CMO से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है और फिर मैंने MRI मशीन की भी बात उठाई थी। MRI मशीन छिंदवाड़ा को मेरे फैमिली ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है, 6 महीने पहले मशीन दी गई थी, 3 महीने वो इंस्टॉल नहीं हो पाई कोविड के कारण, 3 महीने से इंस्टॉल हो चुकी है। आज स्थिति ये है कि मुझे आवेदन आते हैं कि लोगों को MRI के लिए नागपुर जाना पड़ रहा है। कमलनाथ जी और मैंने ये MRI मशीन केवल छिंदवाड़ा के जनता के लिए नहीं दिया बल्कि आसपास के ज़िला जैसे कि बैतूल हो, नरसिंहपुर हो, सिवनी हो, बालाघाट हो, उनके लोग भी इस MRI मशीन का लाभ ले सकें।